नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 97वां एपिसोड। आज हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें धड़ाम से जमीन पर गिरी हुई हैं। उसके बाद भी देश में, भारत के किसी भी राज्य में पेट्रोल या डीजल के दामों में कमी दर्ज नहीं की गई है। लगभग 3 माह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग स्थिर ही हैं। अब कुछ सूबों में दाम बढ़ने की बातें भी सामने आ रही हैं। कोरोना COVID-19 के संक्रमण के चलते दुनिया भर में तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। वर्तमान में कच्चा तेल ऐतिहासिक गिरावट के दौर से गुजर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल पिछले 3 माह में $56 प्रति बैरल से गिरकर महज $22 प्रति बैरल तक जा पहुंचा है। इस हिसाब से भारत की तेल कंपनियों के द्वारा $19 प्रति बैरल के हिसाब से अप्रैल माह तक कच्चा तेल खरीदा गया। इस हिसाब से देखा जाए तो कहाँ $64 और कहाँ $19। अगर $19 में कच्चा तेल आप खरीद रहे हैं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं खुदरा, जो आप, ये कहा जाए कि पेट्रोल पंप से जो आप पेट्रोल और डीजल बेचते हैं उसकी कीमतों में इस कहीं ना कहीं अंतर दर्ज किया जाना चाहिए था, पर कीमतें वहाँ भी स्थिर नज़र आ रही हैं। जब समूची दुनिया में कच्चे तेल के दाम अब तक के सबसे निचले स्तर पर जा चुके हैं, तब सूबाई सरकारों के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का फैसला हैरान करने वाला ही माना जा सकता है। कच्चा तेल महंगा खरीदा जा रहा है। जब कच्चा तेल महंगा खरीदा जा रहा था तो दाम बढ़ना स्वाभाविक थे, पर अब जब दामों में कमी, कच्चा तेल बहुत सस्ते दामों पर मिल रहा है, तब पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी दर्ज की जाना चाहिए। वैसे भी कुछ माह पहले या पिछले साल की बात है जब केंद्र सरकार के द्वारा ये बात कही गई थी कि तेल की कीमतों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल, कच्चे तेल के भाव पर निर्भर करेगा। कच्चे तेल का भाव पिछले 3 महीने से लगभग $20 के आसपास ही बना हुआ है, पर पेट्रोल और डीजल देश भर में उसी दाम पर बिक रहा है जिस दाम पर पहले भी बिकता था और अभी भी उसी दाम पर ही बिक रहा है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि जब पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत कर लाद कर बढ़ाई जाती है तो उसका सीधा असर जनता पर ही पड़ता है। टोटल लॉकडाउन में कर संचय ना कर पाने वाली रेवेन्यू जनरेशन बहुत धीमा है। राजस्व का संग्रहण बहुत धीमी गति से राज्य सरकारों के पास हो रहा है। सरकारों के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ पर वैट लगाकर इसका बोझ जनता पर डालने का प्रयास किया गया है, ये उचित नहीं माना जा सकता है। असम, तेलंगाना के बाद राजनीतिक राजधानी देश की जो मानी जाती है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड आदि राज्यों के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट बढ़ा दिया गया है। राज्यों में पेट्रोल पर 2 रुपये और डीजल पर 7 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। डीजल महंगा होने का मतलब है कि सामग्रियों का परिवहन महंगा होगा। इससे जो परिवहन अगर महंगा होगा तो निश्चित तौर पर कीमतें बढ़ेंगी ही। कीमतों में गिरावट पेट्रोलियम पदार्थों की दरें बढ़ाकर दर्ज नहीं की जा सकती। अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पिछले 3 माहों में कच्चे तेल के दामों में लगभग 60% गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद भी भारत की जो तेल कंपनियां हैं उनके द्वारा पिछले 3 माह में $19 प्रति बैरल के हिसाब से कच्चा तेल अगर खरीदा गया है, जब $64 प्रति बैरल के हिसाब से तेल खरीदती थी तेल कंपनियां, तब पेट्रोल डीजल के जो दाम हुआ करते थे, अब आप अगर $19 प्रति बैरल के हिसाब से तेल खरीद रहे हैं तब भी अगर वही दाम बरकरार हैं, इसका मतलब ये है कि तेल की खरीद और तेल का विक्रय दोनों के बीच में जो शुल्क लगाए गए हैं वो शुल्क भारी भरकम मात्रा में बढ़ा दिए गए हैं, या तो लाभांश तेल कंपनियों का बढ़ा है। जब एक बार ये बात कह दी गई थी, एक फैसला ले लिया गया था कि तेल की कीमतों पर नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल के मूल्यों पर ही निर्भर करेगा, तब
अगर तेल के मूल्य कम हैं तो पेट्रोल और डीजल बहुत सस्ती दरों पर बिकना चाहिए, जो होता नहीं दिख रहा है। कच्चा तेल सस्ता खरीदा जा रहा है, तब देश में पेट्रोल और डीजल सस्ता बिकना चाहिए। याद पड़ता है, लगभग 3 दशक पुरानी बात है, 1987 की बात है। उस समय खाड़ी युद्ध चल रहा था। खाड़ी युद्ध के दौरान खाड़ी अधिभार के रूप में पेट्रोल पर 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। 3 रुपये की जो बढ़ोतरी की गई थी 1987 में, 33 साल बीतने के बाद भी वो खाड़ी अधिभार 3 रुपया आज भी पेट्रोल से हटाया नहीं गया है। इसका सीधा तात्पर्य यह है, जो बढ़ा दिया सो बढ़ा दिया। नियम कायदे जो बनाए जाते हैं, विपक्ष किस लिए है? विपक्ष इसीलिए है कि सरकार अगर कहीं निरंकुश हो जाए या उसको अपना फैसला याद ना रहे तो कम से कम वो उस फैसले को याद दिलाए। पर मिली जुली कुश्ती जो दिखती है उसके बीच में जनता के को राहत देने की बात जरूर की जाती है, पर सारे के सारे करारोपण जनता पर ही किए जाते हैं। इतना ही, लगभग 3 माह में पेट्रोल डीजल के दामों में स्थिरता ही दिख रही है। राज्य सरकारों के द्वारा पहले ही पेट्रोल डीजल की जो पेट्रोल और डीजल बेचा जा रहा है उस मद में भारी भरकम राजस्व की प्राप्ति सरकारों के द्वारा की जा रही है। इस आपदा की घड़ी में दामों में बढ़ोतरी करके सरकारें क्या संदेश देना चाह रही हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में कमी का सबसे ज़्यादा असर जनता पर पड़ना था, पर अब ये बात भी निकल कर सामने आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर तेल की कीमतें कम हैं तो उसका फ़ायदा जनता को क्यों नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में एक बात ये भी कही जा रही है कि इस तरह के करारोपण से उपभोक्ताओं को पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इस तरीके की बात सरकारों के द्वारा कही जा रही है कि ये जो कर का एडजस्टमेंट है या कर बढ़ाए जा रहे हैं, ये कर आम जनता से नहीं वसूले जाएंगे, ये तेल कंपनियों को मिलने वाले लाभांश को कम करते हुए उसमें समायोजित किए जाएंगे। इसका मतलब साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है कि तेल कंपनियों से भी अगर कहीं कुछ कटौती की जा रही है तो सरकार अपना खजाना ही भरना चाह रही है। पर वास्तविक स्थिति जो दिख रही है कि कहीं ना कहीं तेल की कीमतें, डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती ही दिख रही हैं। एक बात साफ दिखाई दे रही है कि कोरोना COVID-19 के संक्रमण के चलते सरकारों की माली हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। सरकारों का को राजस्व के जरिए खजाना भरने में बहुत दिक्कत आ रही है। सरकार अब डीजल, पेट्रोल और शराब, 3 चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। डीजल, पेट्रोल और शराब पर करारोपण करके, जैसे दिल्ली से खबर आ रही कि दिल्ली में 70% वैट शराब पर लगा दिया गया है। अगर एक शराब की एक बोतल 1000 रुपये की मिला करती थी तो वो इस वैट के बाद 1700 रुपये की मिलेगी। सवाल इस बात का है कि इस तरीके से कर बढ़ाकर सरकार अपना खजाना भरने के बजाय मितव्ययता क्यों नहीं अपनाती? सांसद और विधायकों को जो पेंशन या वेतन भत्ते आदि मिल रहे हैं उन भत्तों में कटौती क्यों नहीं की जाती? उन भत्तों में कटौती अगर कर दे तो आप अगर लोकसभा की वेबसाइट पर ही जाके देख लें कि एक सांसद को 5 साल में, विधानसभाओं को देख लें कि विधानसभा में विधायकों को एक विधायक को पाँच साल में सरकार कितना उसके ऊपर खर्च करती है। लोकसभा प्रति मिनट, प्रति सेकंड चलने पर कितना खर्च आता है, विधानसभा प्रति सेकंड चलने में कितना खर्च आता है, इनको ही आप देख लेंगे तो आपके दांतों तले उंगलियां आप दबा सकते हैं। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही तो इसका सीधा सीधा असर आम जनता पर ही पड़ेगा। इससे माल ढुलाई महंगी होगी और माल ढुलाई अगर महंगी हुई तो निश्चित तौर पर इसका सीधा असर चीज़ों की कीमतों पर पड़ेगा। वैसे भी लगभग 50 दिनों से घर पर बैठे बिना किसी ये कहा जाए कि काम धंधे के लोगों का जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। इसके बाद अगर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी जाती है तो ये वाकई आम जनता के साथ एक नाइंसाफी ही मानी जा सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर
सरकारों के द्वारा, जिन भी सूबों में बढ़ाया गया वहाँ की सरकारों के द्वारा, वहाँ के निवासियों की दुश्वारियाँ ही बढ़ाई जा रही हैं। हम आपसे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार अपील करता आया है कि आप घर पर रहें, घरों से ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरी है तो घर से निकलें, अगर आप घर से निकलते हैं तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें, अपने आसपास साफ़ सफाई रखें, अपने नाखून बहुत छोटे रखें, प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। सर्दी खांसी बुखार होने पर चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें। 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन अवश्य करें। हम अगला अंक लिमटी की लालटेन का अगला एपिसोड लेके जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।